बोल बे, हिंदू कहाँ है? 212। 212 घर का नंबर है क्या? वो लड़की वहां पर है? कौन सा एरिया? जूना भट्टी? ये मेरे घर का नंबर नहीं, ये मेरे बदन पे पड़ी मार का नंबर है। पूरा का पूरा लौटा नहीं दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। वो लड़की कहाँ है? बाहर जाके जीप में बैठ। मेरे घर जा। जाके मेरी माँ को बुला। बुला के उनके पैर पे गिर के माफी मांग। उन्होंने माफ किया तो ही मैं तुझे छोड़ूंगा। अब बता। 230। 460। रितो, ये क्या नंबर है? हिसाब कीजिए साहब, उसने क्या कहा? एक के बदले में वो आपको दो देगा। अब आपने उसे 230 मार मारा है तो उसके बदले 460 लेना पड़ेगा। किसको? आपको। सर, जितना भी मारू वो मुंह नहीं खोल रहा। सर, शहर में पोस्टर लगा दो। तो फिर आपकी इज्जत का क्या होगा साहब? ए, होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। वो आपको दुश्मन मानता है, मीडिया में ढिंढोरा पीटेगा। पैर पड़ता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ने के लिए कहिए। मैं भी पैर पड़ता हूँ। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है बताओ? वो मेरी इकलौती बेटी है। हमारा भी इकलौता बेटा है साहब, उसे छोड़ने के लिए कहिए। छोड़ दिया तो वो मेरी बेटी को लेकर आ जाएगा? हा? बोलो, वो लेकर आएगा? ए, चेकबुक लेकर आ। अच्छा साहब। कितना पैसा चाहिए? बोलो, कितना चाहिए? पैसों के लिए तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है ना? बोलो, कितना चाहिए? ए, जल्दी लेकर आ। साहब, हमारा बेटा ऐसे नहीं है। वो जितना भी पैसा कमाता है बस्ती के गरीबों में बांट देता है। हम सच बोल रहे हैं साहब। साहब, एक बार हमें अपने बेटे से मिलवा दीजिए। जब तक मैं अपनी बेटी को नहीं देखूंगा तब तक तुम भी अपने बेटे को नहीं देख पाओगी। तुम्हें शाम तक की मोहलत देता हूँ, मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ, वरना थाने से जो तुम लेकर जाओगी वो तुम्हारा बेटा नहीं, उसकी लाश होगी। अब देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। किसी की नजर पड़े बिना इंदु को पनवेल ले जाओ।